हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राहुल इंग्लिश स्टडी। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज ऑन जीबीसा एंड हिज वर्क आर्ब्स एंड द मैन टुडे। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट अबाउट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, आप करना चाहें तो करें। लाइक करने के लिए भी बाध्य नहीं हैं, आप करना चाहें तो करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। एंड हाउ रिडिकुलस ओह वार द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज अ फ्रॉड ब्लंसली अ हालो सेम लाइक लव हु स्पीक सर्जियस लौका ब्लंसली नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी एंड हाउ रिडिकुलस, और कितना हास्यापद। ओह वार वार, ओ युद्ध युद्ध, द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज, देशभक्त और वीरों का सपना, ए फ्रॉड ब्लंसली, एक ब्लंसली ए हालो सेम लाइक लव, यानी एक धोखा, ब्लंसली एक खोखला दिखावा प्यार की तरह। हु सेज हु स्पीक्स, ऐसा कौन कहता है? सर्जियस लौका ब्लंसली नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्जियस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। आवर रोमांस इज सेटर्ड लाइफ से फार्स हु सेज एंड टू हुम सर्जियस टू लौका, सर्जियस टू रैना, लौका टू निकोला, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? अवर रोमांस इज सेटर्ड, हमारा रोमांस बिखर गया। लाइफ से फार्स, जीवन एक तमाशा है। हु सेज एंड हुम, कौन कहता है और किससे कहता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? सर्जियस टू लौका, सर्जियस टू रैना, लौका टू निकोला, या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सर्जियस टू रैना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर, मैं एक व्यावसायिक सैनिक हूँ। आई फाउट व्हेन आई हैव टू, एंड एम वेरी ग्लैड टू गेट आउट ऑफ इट व्हेन आई हैवन टू। यानी मैं एक पेशेवर सैनिक हूँ, जब मुझे लड़ना होता है तो लड़ता हूँ, और जब नहीं लड़ना होता है तो इससे बाहर निकलने में मुझे बहुत खुशी होती है। यू आर ओनली एन
amateur, you think fighting an amusement. यानी आप केवल शौकिया हैं, आप सोचते हैं कि लड़ना एक मनोरंजन है. Who speaks? ऐसा कौन बोलता है? Sergius Petkov, Nikola Bluntschli. करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Bluntschli. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. You have no magnetism. You are not a man. You are a machine. Who says and to whom? Sergius to Bluntschli, Sergius to Rana, Locke to Nikola. None of these. Correct answer क्या होगा? आपसे कोई, you are no magnetism. आप में कोई चुंबकत्व नहीं है. You are not a man. आप मनुष्य नहीं हैं. You are a machine. आप एक मशीन हैं. कौन कहता है और किससे कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा Sergius to Bluntschli. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. द वर्ल्ड इज नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक. Petkov. हु स्पीक्स? Sergius, Petkov, Bluntschli. None of these. What will be correct answer? करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी दुनिया इतनी मासूम जगह नहीं है जितना हम सोचते थे. Petkov. Who speaks? कौन कहता है, कौन बोलता है? Sergius, Petkov, Bluntschli. None of these. What will be correct answer? Correct answer will be Sergius. Option A will be the right answer. Next question, question number 106. Question number 106. She had a shawl above her station. उसके स्टेशन के ऊपर एक आत्मा है. I have been no more than her confidential servant. और मैं उसके गोपनीय सेवक से अधिक नहीं. Who speaks about whom? कौन किससे कहता है? Nikola about Locke, Sergius about Rana, Locke about Nikola. None of these. Correct answer क्या होगा? ये फ्रेंड्स याद करवाने का थोड़ा तरीका है. तो ऐसे अगर आपको याद होता है या इस तरह से आपके क्वेश्चन माइंड में सेट होता है तो ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Nikola अबाउट Locke. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107. यू आर ए रोमांटिक इडियट. Next time I hope you will know the difference between a school girl of 17 and a whom 23. Who speak to whom? Sergius to Rana, Locke to Nikola, Rana to Bluntschli. None of these. Correct answer क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप एक रोमांटिक बेवकूफ़ हैं। मुझे आशा है कि अगली बार आपको, यानी 17 साल की, 17 साल की स्कूली छात्रा और 23 साल की महिला के बीच का अंतर पता चल जाएगा कौन किससे कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी रैना टू ब्लंट चिली। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट ए मैन, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ आर्म्स एंड द मैन हु स्पीक अबाउट होम। सर्जियस अबाउट ब्लंचली, निकोला अबाउट सर्जियस अबाउट पैटकॉफ, लोका अबाउट निकोला। करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट ए मैन, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ आर्म्स एंड द मैन। ये आर्म्स एंड द मैन के अंतिम वाक्य है, हु स्पीक अबाउट हुम, ऐसा कौन किससे कहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्जियस अबाउट ब्लंचली, निकोला अबाउट सर्जियस अबाउट पैटकॉफ, लोका अबाउट निकोला। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्जियस अबाउट ब्लंचली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। द सीन ऑफ आर्म्स एंड द मैन ओपन ऑन डे, नून, नाइट, मॉर्निंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी नाइट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी द आर्म्स एंड द मैन ओपन होता है किस सीन के साथ, नाइट सीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द प्ले ओपन्स इन नवंबर 1885, नवंबर 1886, नवंबर 1887, नवंबर 1888। करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्ले ओपन इन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्ले ओपन्स इन नवंबर 1885। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, हूज स्पीक डज रैना टू सी इन द ओपनिंग ऑफ द डे, वाल्कन्स, हिमालयास, रोडोफ, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा, हूज पीक डज द रैना सी इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले। करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल्कन्स, हिमालयास, रोडोफ, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्कन्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सब आज इन द वाइडेस्ट सेंस एंड इंटरनेशनलिस्ट हु सेज अबाउट सा, एसी वार्ड, अल्बर्ट जॉनसन, अर्नॉल्ड।
करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सा व्यापक अर्थों में एक अंतरराष्ट्रीयवादी थे, सा के बारे में कौन कहता है? एसी बार्ट, अल्बर्ट, जॉनसन, अर्नॉल्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसी बार्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट वाज पब्लिश्ड इन 1898, 1899, 1900, 1901। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट वाज पब्लिश्ड इन, करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट पब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर 1898, 1899, 1901। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1898। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आर्म्स एंड द मैन इज द अर्लीस्ट ऑफ सास प्लीजेंट प्लेस, द अर्लीस्ट ऑफ सास अनप्लीजेंट प्लेस। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी द अर्लीस्ट ऑफ सास प्लीजेंट प्लेस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। द टू थीम्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन आर वार एंड मैरिज, वार एंड बैटल, सोल्जर एंड रोमांस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार एंड मैरिज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द टू थीम्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन आर वार एंड मैरिज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रैना टॉक्स टॉप टू पोइट्स, हु आर दे? बैरोन एंड पुश्किन, सैली एंड कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड सैले, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? रैना टॉक्स अबाउट टू पोइट्स, हु आर दे, वे कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी बैरोन एंड पुश्किन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्लीट द लाइन, अ मिस इज एज गुड एज ए किलोमीटर, मीटर, हेक्टेयर, मील। करेक्ट आंसर क्या होगा? अ मिस is as good as mile. Option D will be the right answer. Next question, next question, question number 18. Title of an opera by Italian composer Giuseppe Verdi, Ernani, Romeo and Juliet, Romance, none of these. Correct answer kya hoga? What will be correct answer?
correct answer will be title of an opera. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा अर नैनी. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190. व्हाट इज फिलिप पोपिल्स, सॉरी व्हाट इज फिलिप पोपोलिस ए टाउन इन मिडिल बुल्गारिया, ए टाउन इन सेंट्रल बुल्गारिया, ए टाउन इन ईस्टर्न बुल्गारिया, ए टाउन इन नॉर्दर्न बुल्गारिया. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टाउन इन सेंट्रल बुल्गारिया. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. फिलिपोपोलिस ए टाउन इज ए टाउन इन सेंट्रल बुल्गारिया. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. हु इज चाइल्ड हैरोल्ड, हु इज चाइल्ड हैरोल्ड, चाइल्ड हैरोल्ड कौन है? द हीरो ऑफ बैरोंस चाइल्ड हैरोल्ड, द हीरो ऑफ सैलीस प्रोमीथियस अनबाउंड, द हीरो ऑफ मिल्टन्स सैमसन एगोनिस, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी द हीरो ऑफ बैरोंस चाइल्ड हैरोल्ड. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 121. द सीजर इज, द सीजर इज ए लिटिल ऑफ द फॉर्मर एम्परर ऑफ रूसिया टाइटल ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रूसिया, टाइटल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ रूसिया, टाइटल ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ रूसिया. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा सी साइलेंट, इसको जार भी पढ़ेंगे, यानी सीजार मीन्स जार. तो द जार इज टाइटल ऑफ द फॉर्मर एम्परर ऑफ रूसिया. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122. रैना विश मी जॉय ऑफ द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ If only there are no blank space. Soldiers, lovers, fugitives, none of these. Correct answer क्या होगा? इसका correct answer क्या होगा? Wish me joy the happiest night of my life. मेरे जीवन की सबसे सुखद रात की मुझे शुभकामनाएं. इफ ओनली देयर आर नो ब्लैंक स्पेस. सोल्जर्स, लवर्स, फ्यूजिटिव्स, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूजिटिव्स. ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।